Hi everyone, welcome to Toppersnotes. My name is Ankita Sood. Let's start with today's current affairs. Our first article is Onake Obavva birth anniversary. इस साल कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हर साल 11 नवंबर को ओनाके ओबावा जयंती मनाई जाएगी. ओनाके ओबावा वॉज द वाइफ ऑफ कालानायक हु इज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ फोर्ट ऑफ चित्रादुर्गा. She was a brave woman and fought single-handedly with the army of Hyder Ali in 18th century. And she fought with the army with a pestle, that is Onake in Kannada. Next article is Cabinet adopts 15 November as Janjatiya Gaurav Divas. So recently 75 years of independence पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करने की परमिशन दे दी है. एंड ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाएगा टू रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स. यह तारीख श्री बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करती है, जिन्हें देश के आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है. एंड साथ ही यह दिवस उन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में भी समर्पित है, जिन्होंने कि देश की आज़ादी के समय पे अपना अमूल्य योगदान दिया था. सो इसमें कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडेड हैं, सच एज संथल, तामर, कोल, भील, खासी एंड मीजो. ये दिवस को मनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि इससे आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान के बारे में जानकारी मिले. सरकार ने इसे मनाने के लिए 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों की योजना बनाई गई है. एंड साथ में ही उत्सव को मनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम भी किया जा रहा है. Next article is America is now a part of International Solar Alliance. हाल ही में 10 नवंबर 2021 को COP26 क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो में अमेरिका ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं. एंड अमेरिका ISA पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां सदस्य देश बन चुका है. एंड जिससे कि यह पता चलता है कि दुनिया भर के देश सौर ऊर्जा के मूल्यों को पहचानने लगे हैं और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भविष्य में कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सो ये एक पॉजिटिव साइन हम इसे मान सकते हैं. सो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ISA होता क्या है. ISA is an initiative that was launched at Paris and ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एंड प्रेसिडेंट ऑफ पेरिस के द्वारा. ISA helps in developing solar applications on a large scale and is now perceived as a key organization which works toward achieving the 2030 sustainable development goal and objectives of Paris Agreement on climate change. So ये इसके मेजर एक पॉइंट्स हैं. हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं. पहली स्कीम है RBI's रिटेल डायरेक्ट और दूसरी स्कीम का नाम है RBI's इंटीग्रेटेड अबंसमेंट स्कीम. सो RBI ने छोटे निवेशकों के लिए ये स्कीम शुरू की है, जिससे निवेशक आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं. सो ये स्कीम जो है RBI के द्वारा सबसे पहले ये आइडिया दिया गया था फरवरी 2021 में. इस स्कीम में क्या होता है, ये पहली स्कीम है RBI's रिटेल डायरेक्ट. इस स्कीम से निवेशक देश के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं. साथ में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ वो अपना जितना भी पैसा है उसे निवेश कर सकते हैं. अब छोटे निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका कि नाम है retaildirect.org.in, इस पर जाकर अपना गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं और बैंक अकाउंट से सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं. एंड ये जो फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. अब बात करते हैं दूसरी योजना के बारे में, जिसका नाम है एकीकृत लोकपाल योजना. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह मौजूदा लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है. जितनी भी लोकपाल में मौजूद योजनाएं हैं उसको एक ही पोर्टल पे ला करके ज्वाइन कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है. यह सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतों को स्वीकार किया जाता है. यह योजना RBI के द्वारा फाइनलाइज्ड 11,352 बैंक्स, MBFC, पीपीआई इश्यूअर्स को इंटीग्रेट करेगी, यानी कि शिकायत करने तथा उसे ट्रैक करने के लिए सभी ग्राहकों को अब सिर्फ एक ही पोर्टल को यूज़ करना होगा। एंड इसका एक मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि सभी शिकायतकर्ताओं को यहाँ पे वन पोर्टल, वन ईमेल एंड वन एड्रेस, यानी कि एक पते की ही सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया रिटेन्स टॉप 10 स्लॉट इन क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो लास्ट वीक COP26 में ये इंडेक्स रिलीज किया गया एंड इंडिया हैज़ रिटेन इट्स टॉप 10 स्पॉट इन बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज फॉर द थर्ड ईयर इन रो इन अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे कि CCPI भी बोला जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इट वॉज रिलीज्ड एट COP26 बाय जर्मन वॉच, दैट इज़ द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चाइना की, सो चाइना इज़ द करंट बिगेस्ट पॉल्यूटर एंड फिगर्ड एट 37th पोजिशन, फॉलिंग डाउन 3 स्पॉट्स सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप। सो रिसेंटली मालदीव्स ने 9 नवंबर 2021 को अपना 554th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। सो यहाँ पे भारत एंड मालदीव्स के रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात करते हैं तो इनके बीच में रिलेशनशिप्स 1966 से क्रिएट किए जा रहे हैं। 1966 से पहले मालदीव्स पर ब्रिटिशर्स का रूल होता था एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस मालदीव्स वहाँ पे इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में रिलेशनशिप्स शुरू हो गए। इंडिया एंड मालदीव्स ऑफिशियली सेटल देयर मैरीटाइम बाउंड्रीज इन 1974 एंड साथ ही में इन दोनों कंट्रीज ने 1981 में एक ट्रेड एग्रीमेंट को भी साइन किया था। Also, India has provided liberal economy aid and cooperated with Maldives for improving its infrastructure. So, जब भी मालदीव्स में पहले ब्रिटिशर्स का रूल होता था या और भी रूल्स होते थे तो उस समय पर भी 1988 के अराउंड इंडियन सोल्जर्स ने, यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन सोल्जर्स ने मालदीव्स को हेल्प की थी। हमारा अगला आर्टिकल है जनरल कंसेंट फॉर CBI। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस कंसर्न दिस वीक अबाउट एन ओपिनियन सबमिटेड बाय CBI, जिसमें कि ये बताया जाता है कि CBI में सिंस 2018 150 के अराउंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है फ्रॉम 8 स्टेट एंड ऑल दिस रिक्वेस्ट आर रिलेटेड टू सैंक्शन टू इन्वेस्टिगेशन। सो एक जनरल कंसेंट जो होता है ये नॉर्मली स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू हेल्प द CBI इन सीमलेस इन्वेस्टिगेशन एंड ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है इट इज़ रिलेटेड टू सम केसेस लाइक करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन एवरी स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज गोवा मैरीटाइम कंक्लेव 2021। सो इट वॉज द थर्ड एडिशन एंड इसे कंडक्ट किया गया था फ्रॉम 7th to 9th नवंबर एट गोवा एंड गोवा के एजेस ऑफ नेवल वॉर कॉलेज में इसे कंडक्ट किया गया था। GMC 21 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल कमलवीर सिंह हिंद महासागर के 12 नौसेना समुद्री बलों के प्रमुख वाले दल की मेजबानी यहाँ पे करेंगे एंड इसमें टोटल 12 देश जो थे वो शामिल थे, जिसमें कि बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड भी शामिल था। साथ ही GMC का इसमें एक मेजर लक्ष्य था जो कि था IOR here stands for Indian Ocean Rim। इनका लक्ष्य ये था कि GMC का IOR को 21वीं सदी के रणनीतिक परिदृश्य का केंद्र बनाना है। साथ ही 2021 की जो थीम थी वो ये थी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, दैट इज अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेवीज वॉज डिराइव्ड कीपिंग इन माइंड द नेसेसिटी ऑफ विनिंग एवरीडे पीस इन द मैरीटाइम डोमेन। सो ये इनका 2021 का थीम था। Next article we have is 75 nutrition smart villages will strengthen India's campaign against malnutrition. So इन लास्ट वेडनेसडे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अनाउंस किया है कि न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेजेस जो हैं वो इंडिया में रखे जाएंगे एंड जिसमें कि नए 75 विलेजेस को ऐड किया जाएगा एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है उसी का एक इनिशिएटिव है एंड इट विल ऑल्सो इनिशिएट टू स्ट्रेंथन द पोषण अभियान started by the government of India. So according to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the objective of these initiatives are to promote nutritional awareness, education and behavioral changes in some rural areas. Also, the initiative has been undertaken in line with the Prime Minister's call to all the academicians, agricultural scientists and all the institutions to adopt and transform these 75 villages. So, इसमें जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है वो एक नेटवर्क है इंडिया का जिसका नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन विमेन एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज AICRPWIA. इसके अंतर्गत क्या होता है कि 12 देशों में इंडिया के 12 स्टेट्स में ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं एंड बोला जा रहा है कि 75 विलेजेस जो हैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे. Next article we have is the case of demonetization in India. As we all know, on 8 November 2016, the Government of India announced the demonetization of all 500 and 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi series. And यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि popular narratives play a much bigger role in economic policy making than economists and policy makers acknowledge. And yes, indeed, these narratives are grounded more in myths than the reality. And the impact of such policy can be devastating. हमारा अगला आर्टिकल है चारधाम प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले हम सभी को ये पता होना चाहिए कि चारधाम प्रोजेक्ट है क्या. सो इनका मेन उद्देश्य ये है कि हिमालय में चारधाम तीर्थस्थल यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करना है एंड इन सभी को कनेक्ट करने के लिए 889 किलोमीटर्स का एक नेशनल हाईवे बनाने की यहाँ पे प्लानिंग हो रही है. बट इधर इशू ये क्रिएट हो रहा है कि इस रास्ते को बनाने में बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है प्लस बहुत ज़्यादा पेड़ है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ पे जो है वो परमिशन नहीं मिल पा रही है एंड ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है. दिस प्रोजेक्ट कैन एक्ट एज स्ट्रेटेजिक फीडर रोड्स विच कनेक्ट द इंडिया चाइना बॉर्डर विद द आर्मी कैंप्स इन देहरादून एंड मेरठ. तो यहाँ पे ये भी एक मेजर इशू है. साथ ही में सितंबर 8, 2020 को ये डिसीजन लिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट आस्किंग द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टू स्टिक टू इट्स 2018 सर्कुलर फिक्सिंग 5.5 मीटर विड्थ फॉर रोड्स इन हिली एरिया. यानी कि 2018 में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि पहाड़ी एरिया में एटलीस्ट 5 मीटर्स का रोड होना ही चाहिए. दस द गवर्नमेंट अमेंडेड द नोटिफिकेशन इन दिसंबर 2020 एंड सॉट द टॉप कोर्ट्स परमिशन टू कंस्ट्रक्ट 10 मीटर्स वाइड रोड. ऑल्सो द सेंटर इज अंडरटेकिंग अ चारधाम रोड वाइडिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, जिसमें कि एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो कि क्रिएट की गई है एक NGO द्वारा जिस NGO का नाम है सिटीजन्स ऑफ ग्रीन दून. तो उन्होंने चैलेंज किया है फॉर टू द stage 1 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस. तो सबसे मेजर इश्यू यहाँ पे यही है कि इस NGO ने वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस पे ये जो एक चैलेंज किया है कि नहीं हम ये रोड एक्सपेंशन की परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ इनको ब्लास्ट करने पड़ेंगे एंड साथ में ही पेड़ों को काटना पड़ेगा. हमारा अगला आर्टिकल है 16 मस्जिदें 1921 के विद्रोही शहीदों को सम्मानित करेंगे. अर्नाकुलम की कुछ मस्जिदों के परिसर में वरियाम कुन्नाथू, कुंजामद हाजी, अली मुसलियार और 1921 में मालावार विद्रोह के जो भी शहीद थे उन सभी के नाम वाली ग्रेनाइट पत्तियां उनके परिसर में यानी कि उनके ग्राउंड में लगाई जाएंगी. ठीक है, द प्लेग विद द नेम्स ऑफ ऑल 387 मार्टियर्स एनग्रेव्ड ऑन इट विल बी इंस्टॉल्ड एट 16 मॉस्क्स एफिलिएटेड टू द YPIN Zonal Committee to the Ernakulam District Muslim Jannat Council. And the installation is the part of protest against what is described as the distortion of history and the deletion of these names from the list of martyrs of the freedom strugglers. हमारा अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन सैंड माइनिंग फ्रॉम रिवर बेड्स इन राजस्थान. सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी दैट इज CEC की रिकमेंडेशन पर कुछ लीज होल्डर्स को सैंड माइनिंग की परमिशन दे दी है. उन्हें ये परमिशन मिल चुकी है कि राजस्थान की नदी तल से वो रेत खनन कर सकते हैं. इन 2017 सुप्रीम कोर्ट ने 82 माइनिंग लीज होल्डर्स जो हैं उन्हें वहाँ से सैंड माइनिंग के परमिशन से रोक दिया था. उनकी इस परमिशन को जो है वो क्लोज कर दिया था. सो अब ये मंजूरी मिल चुकी है एंड इस मंजूरी से एक आइडिया लगाया जा रहा है कि जल्दी ही गवर्नमेंट को एक रिवेन्यू बूस्टअप मिलेगा जो कि होगा अराउंड 400 करोड़ रुपीस. Our next article is Earth's first landmass emerged in सिंघभूम. So कोलकाता में सिंघभूम के पास एक रिसर्च से एक एनालिसिस ऑफ एंशियंट रॉक से ये पता चल रहा है कि पृथ्वी का पहला महाद्वीप यानी कि अर्थ फर्स्ट कॉन्टिनेंट जो है वो पहले की तुलना में 700 मीटर साल पहले समुद्र से बाहर निकले हैं. And researchers who have studied rock sediments in Eastern India, उनका यह मानना है कि खोज पृथ्वी के इतिहास की उस अवधि के दौरान वातावरण में ऑक्सीजन में वृद्धि और ग्लेशियरों के निर्माण की व्याख्यान जो है वो कर सकती है. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.